मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू स्लाइड लेने के बाद हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, दिस इज आवर कंप्यूटर क्लास, ठीक है। ये एक हेडिंग मैंने दे दी सिंपल सी। अब मैंने आपको आज सिर्फ एक एनिमेशन बतानी है जो मैंने उस स्लाइड में यूज़ की थी कि किस तरीके से हम उसको डिफरेंट डायरेक्शन में वो ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको कहा था कि अगर शेड वगैरह देने हैं जो भी आपने डिज़ाइनिंग करनी है, या यहाँ से अगर आप स्लाइड को डिज़ाइन दे देते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। जितना आप खूबसूरत बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो मैं ये टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा एनिमेशन में। कहाँ पर? एनिमेशन में। तो ये एनिमेशन कौन सी थी? ये है फ्लाई इन। कौन सी एनिमेशन थी? फ्लाई इन। जब मैं एक बार इसे देखें, इस पर क्लिक किया तो ये एनिमेशन आपको बता रहा है, ठीक है। एनिमेशन पेन आप ओपन कर लें जिससे आप इसे बार बार जो है वो प्ले करके चेक कर सकते हैं। इस वक्त ये ऑल एट वंस में है, पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो एक साथ एक ही एनिमेशन में, फ्लाई इन के एनिमेशन में कहाँ से आ रहा है? बॉटम से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बॉटम से आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो एनिमेशन मेरी नज़र आ रही है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इफेक्ट ऑप्शंस पे चला जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? इफेक्ट ऑप्शन में चला जाऊँगा। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम। अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट कर देता हूँ, तो कहाँ से आ रही है? ये लेफ्ट से आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको राइट से कर देता हूँ तो ये कहाँ से आएगी? राइट से आएगी। और इसकी डायरेक्शन कौन कौन सी हैं? फ्रॉम टॉप ऊपर से आए, ये ऊपर से आ रही है। ऑल एट वंस को मैं लेटर कर देता हूँ, आप लेटर पे भी चेक कर लें कि किस तरह की एनिमेशन आ रही है। और अगर आप इसको फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, एक कोने से लेफ्ट के बॉटम से लाना चाहते हैं, देखें अब ये कहाँ से आ रही है। ये एनिमेशन के डिज़ाइन है सारे, कि आप अगर अपनी स्लाइड बना रहे हैं तो उसको डिफरेंट डिज़ाइन कैसे देंगे। बॉटम राइट यहाँ से आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी एनिमेशंस हैं उन सब के यहाँ पर आपको डायरेक्शन सिर्फ इसी के हैं, बाकियों के बहुत कम डायरेक्शन हैं, उनमें ज़्यादातर एनिमेशन एक साथ आ जाती हैं। बाकी ये जो ये देखिए टॉप से आ रही है आपके, टॉप लेफ्ट से और टॉप राइट से, ये तो होगी आपकी एक एनिमेशन। अब आप अगर इसे फास्ट करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी वेरी फास्ट में है। अगर आप स्लो करना चाहते हैं तो आप स्लो कर सकते हैं। देखिए मैंने मीडियम कर दिया, अब देखें मेरी एनिमेशन कैसे आ रही है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर आप चीज़ों को स्लो भी करके रख सकते हैं। तो एनिमेशन की अगर आपने स्पीड स्लो करनी है तो यहाँ से आप टाइमिंग देख लेंगे और आप उसको अपने हिसाब से कि आपने कितने मिनट की एक स्लाइड बनानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें और आ रही हैं, स्मूथ स्टार्ट, इसको अगर आप बढ़ाते हैं तो देखें क्या चेंजिंग आ रही है। मैं 0.5 सेकंड कर देता हूँ, स्मूथ एंड को भी 0.5 सेकंड कर देता हूँ, बाउंस एंड को भी मैं जो है वो बल्कि नहीं इसको कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब देखें क्या हो रहा है, कुछ खास जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा है कि वो जो लेटर आ रहे हैं वो शुरू में थोड़े से जो है वो स्मूथ स्टार्ट ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन आफ्टर एनिमेशन ये डिम हो जाए या इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप देखें क्या हुआ, एनिमेशन जब ख़त्म हुई तो कलर
चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्ले हो रहा है। अगर आप पूरी स्लाइड देखना चाहते हैं तो स्लाइड शो में जाकर आप करंट स्लाइड को देख सकते हैं, या डायरेक्टली F5 प्रेस करके आप पूरी प्रेजेंटेशन को जो है वो चला के देख सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ लास्ट में, ब्लैक ही रहा ये। ये थी हमारी एक छोटी सी एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन की कुछ चीज़ें, अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप इस पर दो एनिमेशन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से कोई और एनिमेशन चूज़ कर लेंगे तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, जो पहले वाली एनिमेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लफ्ज़ों को मेरे गौर से सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब ऐड करेंगे हम कोई और एनिमेशन देंगे, मिसाल के तौर पर मैं ये एम्फेसिस की एनिमेशन है गोल्ड फ्लैश, ये कुछ खास नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसको अगर रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके मैं दूसरी एनिमेशन को ऐड कर देता हूँ। ये देखें, ये एक एनिमेशन मैंने ऐड की, ये इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसकी भी मैं सेटिंग यहाँ से कर सकता हूँ, वाइट कलर आ रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से ग्रे कर देता हूँ। और मैं इसकी टाइमिंग, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ऐसे ही एक फ्लैश लगा के गायब हो रहा है, तो मैं इसको रहने देता हूँ, स्लो कर देता हूँ या मीडियम कर देता हूँ। अब देखें क्या हुआ कि वो एनिमेशन, पहली एनिमेशन आई और दूसरी, अब यहाँ पे देखें आपको सिर्फ एक ही एनिमेशन दिखा रहा है। क्यों एक ही एनिमेशन दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक ही एनिमेशन को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं स्लाइड पर क्लिक करूँगा तो फिर ये प्ले ऑल पे आएगा। अब ये पहली एनिमेशन और ये दूसरी एनिमेशन, अब इसकी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद एक प्रेजेंटेशन छोटी सी बनाने की कोशिश करें, ठीक है, अपने माइंड से कि आप, मैं देखता हूँ कि आप क्या डिज़ाइन रखते हैं, क्या एनिमेशन रखते हैं, कोई सा भी टाइटल ले लें, कोई सा भी जो है वो सब्जेक्ट ले लें, आपके पास कॉपी में कुछ लिखा हुआ है आप उसको करें, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो आगे की तरफ चलेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझा देता हूँ, प्रेजेंटेशन को यहाँ से देखें, ये एक प्रेजेंटेशन है, एक तो मैं यहाँ से जाके स्लाइड शो चलाता हूँ, यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये डायरेक्टली मेरी प्रेजेंटेशन ऑन हो गई, मुझे पावर पॉइंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली शो जो है वो करा सकता हूँ अपनी स्लाइड को, तो उसको मैं क्या करूँगा, जब मेरी स्लाइड होगी मैं इसे सेव करने जाऊंगा। एक तो सिंपल सेव है जो आप लाजमी करोगे, जिसमें आपकी पूरी फाइल जो है वो सेव होगी। एक अगर आप जो है वो उसको सिर्फ शो कराने के लिए कि जी मुझे पावर पॉइंट खोलना ना पड़े, मैं डायरेक्टली इसे ओपन करूं और मेरा शो शुरू हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद चेंज दी फाइल टाइप, और यहाँ पर आपके पास आ रही है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या आ रही है, बल्कि ये सॉरी पावर पॉइंट शो, क्या ऑटोमेटिकली ओपन्स एज अ स्लाइड शो, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के लिए आपसे नाम मांग रहा है, ठीक है, मैं इसी को सेव कर देता हूँ। अब देखिए ये आपकी स्लाइड यहाँ पर सेव हो गई, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली स्लाइड आपके पास आ गई, आपको एमएस वर्ड और सॉरी पावर पॉइंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी।